कर लेंगे यहाँ पे, और इसे हम आप जलाता हूँ। ये देखो काफ़ी ज़्यादा रोशनी आप लोगों को दिख रही हो। हेलो दोस्तों, कैसे हो? मेरा नाम है इम्तियाज और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल टेक्नोज बाइक व्लॉग। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा बाइक की हेडलाइट की रोशनी कैसे बढ़ाएं, इसी टॉपिक पे आज मैं बात करने वाला हूँ। तो चलो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे कि हमारी हेडलाइट बल्ब में, जो हमारी बाइक की हेडलाइट होती है उसमें जो हेडलाइट का बल्ब लगा होता है उसमें हमारी जो रोशनी है वो कम रहती है, तो उसे कैसे बढ़ाएं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये मेरे पास एक बल्ब है जो बॉस कंपनी का बल्ब है, और इसमें जो देखो ब्रिलियंट वाइट लाइट, मतलब ये जो हमारा बल्ब है ये हमारा वाइट है, और जो हमारी कंपनी का बल्ब लगा होता है वो हमारा पीले कलर का बल्ब होता है, मतलब उसमें रोशनी भी कम होती है और इसमें जो है आपकी रोशनी बहुत बढ़िया होगी, बहुत ज़्यादा रोशनी होगी। और ये वाइट लाइट है, और मैं इसे आप लोगों को चालू करके भी दिखाऊँगा किस तरीके से ये जलता है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये दिखा देता हूँ, इसकी MRP वगैरह आप लोगों को दिखा देते हैं। और यहाँ पर अगर बात करें तो देखो हाइलोजन बल्ब है, ये जल्दी ख़राब नहीं होगा, ये मत सोचना कि हम लगाएंगे और कुछ दिन के बाद ख़राब हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा बल्ब है, हाइलोजन बल्ब है। जो हमारे बाइक में लग के आता है वो भी हाइलोजन ही होता है और ये भी हाइलोजन ही है। और इसकी MRP की बात करें तो यहाँ पे आप लोग इसकी MRP देख सकते हो, यहाँ पे 202 रुपये इसकी MRP है, और ये बॉस कंपनी का यहाँ पर मार्का वगैरह लगा हुआ है। ये देखो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसकी 202 MRP है, और काफ़ी ज़्यादा इसमें लाइट भी है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो 12 वोल्ट 35-35 वाट का ये बल्ब है, और इसमें रोशनी जो है काफ़ी ज़्यादा है। मैं आप लोगों को इसे खोल के और चेक करा देता हूँ बैटरी से, इसमें रोशनी कितनी ज़्यादा होती है और ये वाइट जल रहा है या नहीं जल रहा है। तो चलो सबसे पहले हम इसे ओपन करके आप लोगों को दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हमने इसे ओपन कर लिया है, और ये हमारा बल्ब, और यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे भी आप लोग देखो बॉस कंपनी का बल्ब है, और यहाँ पे 35-35 वाट का बल्ब है। और चलो मैं इसके चालू करके आप लोग सबसे पहले दिखा देता हूँ। ये मेरे पास बैटरी रखी हुई, तो बैटरी से हम क्या करते हैं इसे देते हैं कनेक्टिविटी और आप लोगों को दिखाते हैं ये कैसा जल रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस वाली वायर में एक वायर को अटैच कर लेंगे यहाँ पर, और इसे हम आप जलाता हूँ। ये देखो काफ़ी ज़्यादा रोशनी आप लोगों को दिख रही होगी, देखो आप लोग देखो वाइट है, मतलब जो हमारा रहता है पीला वाला ये वाइट है और वो पीली है। तो एक बार मैं इसका जो वो भी जला देता हूँ, जो हमारा लो और हाई बीम है उसे भी आप लोगों को जला के दिखा देते हैं। यहाँ पे इसको कनेक्ट करते हैं और इसको यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। देखो आप लोग खुद देखो रोशनी इसमें काफ़ी ज़्यादा है कि मोबाइल का कैमरा भी सही से काम नहीं कर पा रहा। बाकी रोशनी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जो आपकी ओरिजिनल बल्ब है उससे ज़्यादा रोशनी है। ये देखो ये हमारा हाई बीम है और ये हमारा लो बीम है, तो लो बीम तो कम ही जलेगा बट हाई बीम जो है वो ज़्यादा जलता है। यहाँ पे मैं इसे कनेक्ट करके एक बार वापस से आप लोगों को दिखा देता हूँ। शॉर्ट हो गया था, एक मिनट वापस मैं चालू करता हूँ। ये देखो ये लो है और यहाँ पे ये हाई है, तो हाई हमारा बहुत ज़्यादा जल रहा है। ये देखो काफ़ी तेज़ जल रहा हाई, ये देखो हाई काफ़ी ज़्यादा तेज़ जल रहा है। तो अभी मैं आप लोगों को ये बताता हूँ इसको फिटिंग कैसे करना है। तो सेम जैसे हमारा बल्ब जो हम चेंज करते हैं सेम उसी तरीके से ये चेंज होगा, जैसा कि पूरा जो हमारा ओरिजिनल लगा होता है सेम उसी तरीके से ये हमारा बल्ब फिटिंग हो जाएगा। और इसमें आप लोगों को AC DC करना नहीं है, बस बाइक में लगा देना है और ये अपना काम करने लगेगा। आप लोगों को AC DC नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, वायरिंग में छेड़खानी नहीं करना है। इससे आप लोगों को बस बैठा के हेडलाइट में इसे लगा देना और इसका होल्डर लगा देना है। और अगर आप लोगों को नहीं पता कि इसे कैसे फिटिंग करना तो आप लोग वीडियो में कमेंट्स करना, मैं आप लोगों को बताऊंगा इसे कैसे आप लोग फिट कर सकते हो। बाकी ये आप लोगों को मिल जाएगा, मार्केट में ही मिल जाएगा, आप लोगों को बॉस कंपनी का ले लेना है। और इसका जो वाट है वो 35-35 वाट है, 12 वोल्ट की बैटरी से ये चलता है, बैटरी से 12 वोल्ट की बैटरी से ये चलता है। और अगर आप लोगों को फिटिंग करना है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करना, वैसे तो फिटिंग आप लोग कर ही लोगे। और मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियो भी बनाई है हेडलाइट का बल्ब कैसे चेंज करना है, तो सेम उसी तरीके से ये फिट भी होगा और चेंज भी होगा। बाकी इसकी लाइट जो है वो आप लोगों को ओरिजिनल से ज़्यादा मिल जाएगी, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बट मैं आप लोगों को ये चीज़ कन्फर्म करा दूँ क्योंकि ये मैं ना खुद यूज कर रहा हूँ,
ये वाला बल्ब मैं खुद यूज कर रहा हूँ जो हमारा ओरिजिनल रहता है, उससे कई ज़्यादा रोशनी इसमें है, और ये हमारा वाइट भी है और वो हमारा पीले कलर पीला रहता है, तो ये हमारा वाइट है। वाइट काफ़ी ज़्यादा लाइट देता है, आप लोगों को भी पता होगा वाइट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, और इसे आप लोगों को मार्केट में जाके ले लेना है। बॉस कंपनी का बल्ब है, हाइलोजन बल्ब है, ये भी नहीं कि लोकल हो, हाइलोजन है। और सबसे बड़ी बात यह कि बॉस कंपनी का चीज़ ही ओरिजिनल आता है। और कोई जानकारी चाहिए तो मुझे आप लोग कमेंट्स करना, सारी जानकारी आप लोगों को मिलेगी। आप लोग मुझे कमेंट्स करके जो भी ये कमेंट्स आप लोगों का पूछ सकते हो मुझसे, मैं आप लोगों को कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। बाकी आप लोग ये बल्ब एक बार यूज करके देखो, आप लोगों को खुद पता चलेगा कि हाँ हमारी जो पहले की रोशनी थी वो ज़्यादा है या इसे लगाने के बाद अब ज़्यादा है। और फिटिंग करना तो आप लोगों को पता ही होगा, नहीं पता तो आप लोग मेरी वीडियो देख सकते हो, बाकी मैंने सारी जानकारी आप लोगों को दे दी किस तरीके से ये फिटिंग होगा। और मैंने इसको जला के भी दिखाया आप लोगों को कि इसकी रोशनी जो है वो वाइट है, और जो हमारी पुरानी वो बाइक में लगी होती वो हमारी पीले पीली होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताना, और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि इसी तरह की नई नई वीडियो मैं लाता रहूं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।